सभी भक्तजनों को सप्रणाम। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा यह आई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कैसे भ्रष्टाचार किया जा रहा है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है वह राजनीतिक पार्टियों को देने के लिए सरकार ने बॉन्ड जारी कर रखे हैं। कोई भी व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टियों को दान देना चाहता है वह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके दे सकता है। जो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाएगा, वहाँ से खरीद करके जितने का भी देना चाहता है उतना बॉन्ड खरीद करके वहाँ से और जिस पार्टी को भी देना चाहता है तो वहाँ पर उसको वह दे सकता है। और पहले तो ये था कि जो कंपनियाँ लाभ में जा रही हैं तो वे अपने लाभ का कुछ अंश इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में पार्टियों को दे सकती हैं। बाद में यह परिवर्तन कर दिया गया कि बाद में अर्थात 2018 के आसपास में यह परिवर्तन कर दिया गया कि अगर वो लाभ में नहीं भी हैं तो भी वे दान दे सकती हैं। अब इसमें क्या किया गया कि यह इसलिए दिया जाता है कि राजनीतिक पार्टियां लोगों के चंदे से चुनाव लड़ सके। लेकिन यह जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसमें जो दान देते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह आती है कि उसका बड़ा गोपनीय रखा जाता है उसका मामला, यानी यह सार्वजनिक नहीं किया जाता है कि किस व्यक्ति ने दिया और किस पार्टी को दिया और कितना रुपया दिया। न ही जो है RTI से आप पता कर सकते हैं, सूचना का अधिकार इस पर लागू नहीं होता है। इसका मतलब जहां भी सूचना का अधिकार लागू नहीं होता है मतलब भ्रष्टाचार के बहुत चांस है ऐसे। और कोई न पुलिस इस पर जांच कर सकती है, न ही ED जांच कर सकता है, न ही CBI जांच कर सकती है और न ही निर्वाचन आयोग जांच कर सकता है, न मांग सकता है न सूचना मांग सकता है। यानी राजनीतिक पार्टियां अपने लिए इतनी सुरक्षित व्यवस्था बनाई हुई है कि वे किसी से भी पैसा ले लें और उसका कोई हिसाब किताब लेने वाला ही ना हो, जानने वाला ही ना हो। तो ये तो घनघोर धांधली है। अब शायद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस पर कुछ फैसला शायद आना है। लेकिन चाहे फैसला कुछ भी आए परंतु उनकी नियत पर तो प्रश्न उठ ही जाता है। न किसी राजनीतिक पार्टी ने विरोध किया आज तक, तो कोई राजनीतिक पार्टी भी विरोध नहीं कर रही। इसका मतलब कंबल के नीचे सब लोग जो है अपना घी पीने में लगे हुए। तो यह जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जहां तक पारदर्शिता की बात करते हैं, बहुत पार्टी के बड़े बड़े नाम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं
वे बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, फिर यहाँ पर पारदर्शिता क्यों नहीं करते हैं? तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, यहाँ पर एक भ्रष्टाचार की बदबू आती है। जो विदेशों से धन आता है, तो विदेशी कंपनियां हैं, वे भी किसी पार्टी को चंदे के रूप में दे सकते हैं बॉन्ड खरीद करके, इलेक्टोरल बॉन्ड। समझ लीजिए कि हवाला जैसे, मतलब गड़बड़ चीज से भी पैसे आ सकते हैं इसमें, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी वास्तव में होते हुए भी इसमें केस नहीं बनता है। कहने का मतलब है, एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग लीगल कर दिया गया है इस अर्थ में। और जो विदेशी कंपनियां हैं, वे भी इसमें पैसे लगा रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपने कुछ फेवर लेने के लिए, जिस पार्टी की सरकार है या जो विपक्ष में है, जो कि वहां आवाज उसके लिए उठा सकती है, जो पार्टी, उसके लिए वो कुछ पैसे दे सकते हैं। तो जैसे कि अभी न पता चले कि अभी नहीं कोई कह सके कि भ्रष्टाचार किया गया है, ना कहीं यह सिद्ध हो सके, इसको लीगल जो है फॉर्म दे दिया गया और उसके जरिए पैसे पार्टियां ले रही हैं और बड़े बड़े कामों को अंजाम दे रही हैं। तो यह एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जो कि लीगल हो चुका है, यानी भ्रष्टाचार को लीगल रूप, करप्शन को लीगल फॉर्म दिया जा रहा है, दे दिया गया है, दिया जा रहा है, क्या दे दिया गया है। अब इस पर जो है आवाज उठनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड इसी तरह से है। अब कहने का तो यह है कि भाई कोई भी दे सकता है, लेकिन कोई क्यों देगा? बिना लाभ के तो बाप भी अब बेटे को पैसा नहीं देना चाह रहा है, तो ऐसे अर्थ में कोई क्यों देगा? लोग मंदिरों में भी दान कर रहे हैं, तो वहां भी एक आशा रख रहे हैं कि हमको स्वर्ग मिल जाए या हमको अमुक चीज मिल जाए। ये संसार की ही कोई चीज प्राप्त करने के लिए भी वहां पर जो है दान पेटिका में कुछ जो लोग डाल रहे हैं धन, तो जब भगवान को भी कुछ दे रहे हैं ये सोच के कि हमको कुछ मिलेगा, तो फिर राजनीतिक पार्टी को जो लोग दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उसके मन में है, कुछ ना कुछ डीलिंग है, अंडर हैंड डीलिंग है कि आप ऐसे दें तो हम आपको ये कर देंगे, आप वैसे दें तो हम वो कर देंगे, पकड़ाएंगे भी नहीं और ले भी लेंगे। तो ये सब चलता है। तो अब जो है आवाज उठाने की बात है कि अब आवाज उठाई जाए, तो राजनीतिक पार्टियां जो अपने को साफ सुथरी समझती हैं, उनका फर्ज था कि वे उठाती, या जो संस्थाएं हैं जो करप्शन फ्री स्टेट की बात करती हैं, करप्शन फ्री इंस्टीट्यूशन की बात करती हैं, तो वे लोग अपना कुछ पर कार्य करें। तो खैर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ही यह पड़ा हुआ है मामला, अब उसका निर्णय पता नहीं क्या आएगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम।